गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्पित स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्पित कंसेप्ट में। टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, ये टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे, फिर मैं इसे रिकॉल करा देता हूं। क्या क्या बताया था मैंने फर्स्ट चीज़ ये बताई थी, यदि हमारी दूरी समान होती है तो दूरी समान होने पर हमारा क्या होता है, जो चाल का अनुपात होता है यानी S1/S2 जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय के। फर्स्ट चीज़ हमारी ये थी। सेकंड चीज़ हमारी ये थी कि यदि समय समान होता है तो दूरी का अनुपात समानुपाती होता है चाल के, सेकंड चीज। और भी यदि हमारी चाल समान है तो दूरी का अनुपात किसके समानुपाती होगा, समय के। क्योंकि अब क्या है भाई, इस कंडीशन में क्या थी, दूरी समान थी, इस वाली कंडीशन में जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं समय समान था। और इसमें क्या था भाई, हमारा चाल समान थी। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी और इस पे भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराया था एज ए एग्जाम्पल, और उसके बाद मैंने वीडियो को आगे बढ़ाया था और उस पे मैंने फिर क्वेश्चन की सीरीज मैंने चालू कर दी थी। तो आज हम क्वेश्चन की सीरीज को ही चालू रखते हैं क्योंकि बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ अलग से जो चीज आएंगी वो क्वेश्चन के साथ आपको मैं क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की, पूछा है इसने। उसने कुछ हमारी कितनी भी हो सकती है, तो ये कुछ जो तय की है वो पैदल तय की है इसने, क्लियर। और कुछ यात्रा तय की है इसने किससे, साइकिल से। पैदल की जो स्पीड है वो है 1 घंटा और जो साइकिल की स्पीड है वो दे रखी है इसने 16 किलोमीटर/घंटा, क्लियर। अब अगर मैंने ये बताया लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि यदि हमारी दूरी समान होती है तो चाल का अनुपात क्या होता है, चाल का अनुपात समय का उल्टा और समय का अनुपात चाल का उल्टा। लेकिन यहाँ पे तो भाई कुछ दूरी पैदल है कुछ दूरी साइकिल है, पता नहीं कि आधी दूरी होती, अगर कह देता भाई जितनी साइकिल से थे कि उतनी, जितनी पैदल उतनी साइकिल से, तो क्लियर था हमारा कि हम एस का उल्टा क्या कर देते, टी कर देते, हमारा समय का अनुपात निकल जाता। अब इसे रेशियो मेथड से करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हमें पैदल तय की कुछ, साइकिल से तय की कुछ, कुछ कुछ क्या है पता नहीं क्या है, बराबर है या नहीं है पता नहीं। अब क्या करेंगे हम, चाल से हमें कहाँ पहुँचना है, समय के अनुपात पर। अब चाल से समय के अनुपात पर पहुँचना है, इसका मतलब है मुझे इसका व्युत्क्रमानुपाती करना है। अब व्युत्क्रमानुपाती कैसे करूँगा, अभी देखो ऐसे नहीं करेंगे, रैंडमली उल्टा नहीं कर लेंगे क्योंकि ये बराबर नहीं है, हमें अब बीच में लिखनी पड़ेगी औसत चाल। औसत चाल बराबर भी हमने बताया था, औसत चाल बराबर क्या थी भाई, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, कुल दूरी दे रखी है हमारी 80 किलोमीटर और समय कितना है 7। तो कुल दूरी 80 है, उसे तय करता है वो 7 घंटे में, वो पैदल भी चला और 7 घंटे में वो पैदल भी चला और 7 घंटे में वो साइकिल से भी चला, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 80, समय कितना 7। अब हम निकाल इस तरह करेंगे भी इसका उल्टा, इसे बच्चे कहते हैं एलिगेशन, में मिश्रण चैप्टर पढ़ाता हूँ क्लास में, तो बच्चे कहते हैं सर ये एलिगेशन का फॉर्मूला है, जबकि एलिगेशन का फॉर्मूला नहीं है, इसके कंसेप्ट में आगे क्लियर करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझो कि एलिगेशन वाला हम मेथड लगा रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। अब बटे में भाई 7 है, 7 को हटाने के लिए 7 से समय गुणा लगा दो, क्लियर। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 × 56, यहाँ हो जाएगा 16 × 7 = 112 और यहाँ आपका बचेगा क्या 80। इस मेथड को अगर अप्लाई करते हो तो बच्चों को ये नहीं पता होता भी हम लगा क्या नहीं, ये होता है माध्यिका का चैप्टर, ये मैं माध्यिका में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें माध्यिका माध्य और बहुलक 3 चीज़ें होती हैं, आगे मैं क्लियर करूंगा एडवांस मैथ में। तो आप देखो इसमें ये ध्यान रखना कि माध्य है 80 से एक छोटा होना चाहिए, यानी माध्य से एक छोटा होना चाहिए तो एक बड़ा होना चाहिए, क्लियर है, बड़ा है और छोटा है, सही है, यानी क्वेश्चन हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है और ये लगेगा ही तब, अगर इससे 80 से एक छोटा बड़ा नहीं है तो लगेगा नहीं है, तो भाई 80 से छोटा है बड़ा है, अंतर की बात करेंगे इसमें केवल। तो इसमें भी कितना अंतर, 32 का अंतर लिख दो 32, यहाँ कितना अंतर भाई 24 का अंतर, हमें चाल का अनुपात मिल गया, अभी कट सकता है इसे काट लो, कितनी बार काटने 8 से काट देते हैं, 8 + 24 = 32, चाल का अनुपात कितना मिला 4:3।
अच्छा भाई 4:3 चाल का अनुपात तो मिल गया। अब मेरे को ये बताओ 4:3 मिला है तो 4 यूनिट चलता है वो किसकी चाल, 4 यूनिट में चलता है पैदल, 3 यूनिट में चलता है साइकिल से, तो टोटल कितना यूनिट लिया उसने चलने में, तो टोटल उसने समय लिया आपका 7 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 7 यूनिट नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से 7 घंटे हैं, तो 7 यूनिट बराबर 7 घंटे यानी 1 यूनिट बराबर 1 घंटा। पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि उसने पैदल कितनी दूरी तय की। भाई पैदल कितनी दूरी के तय की, पैदल की मेरे को चाल तो पता है कि 8 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन कितने समय चलता है ये नहीं पता, तो यहाँ से मिलेगा समय, तो ये देखो 4 यूनिट में कितना समय बनेगा, आपको पता है 7 यूनिट में 7 घंटे, तो 4 यूनिट में कितना समय, 4 यूनिट में 4 घंटे। अब 4 यूनिट में 4 घंटे, अगर 8 की स्पीड से आप 4 घंटे चलोगे तो भाई कितना चलोगे, 32 किलोमीटर। क्लियर, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, ए हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने कितनी दूरी तय की, तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है ये, सिमिलर क्वेश्चन है, ट्राई करो, स्क्रीन पर आ गया आपकी, और नहीं आया, नहीं अगर हो पा रहा तो देख लो एक बार और, क्योंकि समझना बेहतर है। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी तय की भाई, पता नहीं कुछ दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से है, कुछ दूरी वो तय करता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्लियर, बीच में ये कुछ पता नहीं क्या है, बराबर है या नहीं है पता नहीं, तो वही चीज़ लगाएंगे, तो औसत चाल कितनी हो गई, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी दे रखा है 75, कुल समय कितना लग रहा है आपको 7। क्लियर, कुल दूरी कितनी है 75 और कुल समय कितना लग रहा है 7, बस कर दो इसे समय का अनुपात, बटे में 7 आ गया, 7 लगा दो, आसान करना है, 7 जब सभी जगह लगेगा तो 12 7 होता है 84, 7 से 60 करेगा 75 ही रहेगा यहाँ पे, और 10 7 70, एक छोटा एक बड़ा बन रहा है, ये छोटा बन रहा है ये बड़ा बन रहा है, सही जा रहा है क्वेश्चन हमारा, अंतर ले लो समय का अनुपात बनेगा ये हमारा, कितना अंतर 5 अंतर, और यहाँ कितना अंतर आपका 9 अंतर, टोटल 9 5 14 यूनिट, 14 यूनिट बराबर क्वेश्चन के हिसाब से कितना समय 7 घंटे, 14 बराबर 7 घंटे यानी 1 यूनिट बराबर हमारा बनेगा कितना आधा घंटे, क्योंकि 7 14 का आधा है, लगा लेना आधा घंटा, हमें निकाल लगाना है कि वो 12 किलोमीटर की दर से जो चला है वो कितना किलोमीटर चला है, तो 12 किलोमीटर की दर से 5 यूनिट में समय निकालना पड़ेगा, तो 5 यूनिट समय कितना 1 यूनिट में, अगर आधा घंटा तो 5 में कितना समय ढाई, ओके ढाई घंटे, तो अगर 12 की रफ्तार से ढाई घंटे चलेगा तो 2 घंटे में चला 24, आधे घंटे में 6 यानी कितना हो गया 30 किलोमीटर आंसर आ गया इसका। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा, तदोपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया, उस चोर तथा पुलिसकर्मी के दौड़ने की गति क्रम से 10 किलोमीटर पर घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तदनुसार 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही होगी। क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं लगाना इसमें, देखो समझा देता हूँ, एक चीज़ समझो, अगर आप एक बंदा 10 की स्पीड से जा रहा है, 10 की स्पीड का मतलब है कि वो एक घंटे में चलेगा 10 किलोमीटर, और उसी दौरान दूसरा बंदा एक घंटे में कितना चलेगा भाई 11 किलोमीटर, बताओ जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक घंटे में इनके बीच कितनी दूरी रह गई, तो एक घंटे में इनके बीच जो दूरी रह गई, जो दूरी है वो कितनी बनी 1 किलोमीटर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 किलोमीटर पर घंटे का गैप रह रहा है इनके बीच में, हर एक घंटे में 1 किलोमीटर का गैप बन रहा है, इसका मतलब है कि जब दो बंदे एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो चाल का क्या लेना है आपको, अंतर लेना है, तो बस यही लगाना है हमें। देखो अब बताओ, मैं 10 की एक 10 की स्पीड से भागा, दूसरा आया 11 की स्पीड से मेरे पीछे, तो कितने घंटे का अंतर रहा, 1 किलोमीटर पर घंटे का अंतर रहा, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि 1 घंटे में कितना अंतर बना, एक घंटे में बनता है कितने का अंतर 1 किलोमीटर का, हमें कितना निकालना है, हमसे पूछा है इसने 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, तो मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन आपको सारे इसमें दे रखे हैं मीटर में, जब मीटर में ऑप्शन दे रखे हैं तो लगाओ 60, 1 घंटे को 60 मिनट बना लो, क्योंकि आंसर पूछ रहा है 6 मिनट में,
एक घंटे को 1000 मीटर में लिख लो, यानी आपका क्या आ गया 6 मिनट में उनके बीच कितनी दूरी रह गई भाई 100। चाहो तो ये लगा लो, बिल्कुल ऐसी माइंड में हो जाता क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। अगर ऐसे नहीं लगाना चाहो तो दूसरा तरीका ये देख लो कि चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो समय दे रखा है हमारा 6 मिनट और चाल क्या होगी, जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे दो बंदे तो चाल का अंतर क्या बना 1 किलोमीटर पर घंटा। दूरी हमें निकालनी है। अब भाई ये किलोमीटर पर घंटे का मामला है, दूरी जो पूछी है इसने मीटर में पूछी है, तो बताओ इसे 5/18 से गुणा करूँ, करूँगा। जब इसे 5/18 से गुणा करी तो जो चाल है वो किस में बन गई हमारी, मीटर पर सेकंड में बन गई। तो मीटर पर सेकंड में बन गई तो समय भी किस में चाहिए सेकंड में, तो मिनट हट जाएगा, मिनट को हटाने के लिए सेकंड बना दिया हमने, क्लियर। गुणा लगेगा भी इधर, 6 × 3 = 18 होता है, 20 होता है, 5 × 2 = 10, यानी क्या बन गया ये भाई 100 मीटर बन गया। ये सबको पता होगा, क्लियर है, ये सबको पता होगा। ये मैथ ये था माइंड में, कुछ नहीं था इसमें, माइंड में हो जाता हमारा, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, नहीं समझ में आया तो भाई मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या प्रॉब्लम है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रम से 4 किलोमीटर पर घंटा और 4.5 किलोमीटर पर घंटे की दर से चलते हैं, दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए एक दिशा में चलते समय कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, यानी दो व्यक्ति हैं, एक की चाल एक की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर घंटा है, दूसरे बंदे की वाले बंदे की 4.5 किलोमीटर पर घंटा है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी करनी है आपको 8.5 किलोमीटर ही करनी है, तो उतना यानी 8.5 किलोमीटर की डिस्टेंस करने के लिए उनके बीच का फासला बता दो कितना है भाई। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक घंटे में उनके बीच डिस्टेंस कितनी बनेगी भाई, एक घंटे में जो उनके बीच डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 0.5 किलोमीटर की, और मुझे डिस्टेंस कितनी बनानी है, मुझे डिस्टेंस उनके बीच बनानी है 8.5। अब इसे बताओ 5 को 8.5 बनाने के लिए मैं 17 से गुणा कर दूँ, 17 से गुणा कर दूंगा क्योंकि 17×5 होता है 85, ये लो बन गई, 17 से गुणा इधर कर रहे हो तो 17 से इधर भी कर दो, लो भी आंसर आ गया 17 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर उसे 1:30 बजे पकड़ लेता है, दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेता है, तदनुसार स्कूटर की गति कितने किलोमीटर पर घंटा होगी। इसका मतलब है कि भाई देखो समझा देता हूँ पहले, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले समझ लो। ये एक बंदा है, ये चला 10 बजे और उसका जो भाई है वो चलता है किससे भाई, वो चलता है स्कूटर से, वो चला स्कूटर से, कितने बजे चला 1 घंटा 15 मिनट, यानी 11:15 पर चला होगा, यानी समय लिख देते हैं भाई इसका 11:15 पर। 11:15 तक ये बंदा कहाँ पहुँच गया अभी, 11:15 तक पहुँच गया ये बंदा, यहाँ पर मान लिया यहाँ पर पहुँच गया। अब इसकी भी चाल है, इस बंदे की भी तो कुछ चाल है, इस वाले बंदे की क्या चाल है, जो इसकी बंदे की चाल है 12 किलोमीटर पर घंटा, और इस बंदे की चाल तो हमें निकालनी है, इस बंदे की चाल नहीं पता हमें, इस बंदे की चाल हमें निकालनी, इसकी चाल दे रखी है। अगर स्कूटर वाला बंदा इसे पकड़ेगा तो इसे पकड़ने के लिए इसे पहले वो दूरी कवर करनी पड़ेगी जो ये चल चुका है, तो ये भाई दूरी कितनी चल चुका है, 10 बजे से 11:15 तक कितना चलेगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट में कितना चलेगा, तो 1 घंटा 15 मिनट में चलेगा ये, 1 घंटे में चलेगा 12 और 15 मिनट में चलेगा 3, यानी चलेगा कितना भाई 15 किलोमीटर। समझ में आया दूरी कितनी बनी इनके बीच 15 किलोमीटर। तो स्कूटर वाला बंदा अगर इसे पकड़ना चाहता ना तो 15 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा, यानी लगा दो D=ST, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, स्कूटर की चाल ज़्यादा होगी क्योंकि स्कूटर वाला इसे पकड़ रहा है, चाल को घटाएंगे यानी इसकी चाल x मान के घटा लो, x माइनस इसकी कितनी चाल 12, सही है भाई, किलोमीटर पर घंटा है। अच्छा अब समय क्या लिखें, कितने बजे पकड़ लेगा, पकड़ लेगा वो 1:15 कह रहा है ना, 1:30 बजे पकड़ लेगा, दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेगा, 1:30 पे पकड़ लेगा, तो कितने घंटे में पकड़ लिया भाई, इसने पकड़ लेगा ये 11:15 से
एक तीस तक बनेंगे आपके दो सही एक बटा चार, यानी 2:15 कह सकते हो आप, 2 घंटे 15 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट को 2 सही 1/4 करके मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि घंटे में मामला है, ये किलोमीटर में मामला है, किलोमीटर पर घंटे में मामला है, और ये वाला जो हमारा मामला है वो किस में, घंटे में होना चाहिए। हमारी डी दे रखी है, डी कौन सी है, 15 किलोमीटर। दो सही 4/5, दो सही 1/4 को इधर लेके आना, यानी 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 9/4 को इधर लेके आओगे तो 15, ये क्या हो जाएगा 4/9, क्लियर। 3 से इजी कर लो थोड़ा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5 × 4 = 20, 20/3 12 है, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो भाई 12 × 3 = 36, 36 × 20 56, क्या 56/3 ऑप्शन में है, 56/3 ऑप्शन में नहीं है ये, लेकिन पहला ऑप्शन देखो 18 × 3 = 54 और 2 = 56, यानी पहला ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका, क्लियर क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर डाल दिया मैंने, ये आपके पास है, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियों को क्रम से 25 किलोमीटर/घंटा, 50 किलोमीटर/घंटा, 75 किलोमीटर/घंटा और 150 किलोमीटर/घंटे की चाल से तय करती है, इस दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पता है भाई कि हमें औसत चाल निकालनी है, और औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन आपको क्या दे रखा है इसने, आपको इसने एक चीज़ दे दिया क्वेश्चन को आसान करने के लिए, इसने दे दिया जो 6 किलोमीटर की है वो 4 क्रमिक दूरी है, और 4 क्रमिक दूरी क्या है, बराबर है। जब 4 क्रमिक दूरी बराबर है तो हमारे पास एक माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए, अगर रेशियो मेथड से हम इसे करना चाहते हैं तो माइंड में ये आना चाहिए कि भाई अगर 4 क्रमिक दूरी बराबर है तो चाल के अनुपात का उल्टा करके हम क्या निकाल देंगे, इसका समय निकाल देंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा ईजी। तो देखो पहली क्या है आपकी, 25, 50, 75 और 150, ये स्पीड है, टाइम का अनुपात निकालना है, इसका व्युत्क्रमानुपाती करना है भी, तो दो चाल में व्युत्क्रमानुपाती करना आसान है, अगर दूरी हमारी समान है, दूरी समान है तो दो चाल में व्युत्क्रमानुपाती करना आसान है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा चाल दे दें तो व्युत्क्रमानुपाती किस तरह करोगे, अब वो देखो, हमें व्युत्क्रमानुपाती यानी इसका उल्टा करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, जो एलसीएम बनेगा वही हमारी दूरी हो जाती है। चलो इसे नहीं लिखता, पहले यहाँ देख लो, तो यहाँ भी टाइम क्या बनना है, इसे देखो, 25 × 50 = 75 और ये एक दूरी कितनी बनी, दूरी अब 6 वाली जो है ना उसे छोड़ दो, जो 6 वाली दूरी है उसे छोड़ दो आप, बस अब रोल चलेगा हमारा किस पर, डी भी मिल गया मेरे को, टी मिल गया, डी भी मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि एस की टी से इंटू लगाओगे तो 150 आएगा, क्योंकि दूरी समान है, अगर यहाँ हमने 150 माना तो भाई यहाँ पर सब जगह 150 होगा, 150 × 4 हो जाएगा हमारा 600, कुल दूरी 600 और कुल समय 12, औसत चाल चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय 12 की इससे करो लो, 12 × 5 = 60, यानी 50 किलोमीटर/घंटा आ गया, कितना आसान था क्वेश्चन, क्लियर है। उस 6 को नेगलेक्ट कर दो, जो 6 दे रखा है उसे नेगलेक्ट कर दो, अगर कभी भी दूरी समान दे दे तो आप रेशियो पे काम करना सोचो, कभी भी दूरी समान दे दे और चाल दे दे, चाल वो चाहे 2 दे दे या 3 दे दे या 4 दे दे, उससे हमें मतलब नहीं है, 2 दे देगा तो सिंपली कर लेंगे कि इनका उल्टा कर लेते, 25-50 का उल्टा कर लेते, सिंपल हो जाता हमारा, लेकिन 2 से ज़्यादा दे दें तो व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, सही है। तो अगला क्वेश्चन करिए, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसे कुल 47 मिनट लगते हैं, तो कुल दूरी क्या होगी। देखो भाई कुल दूरी क्या होगी, यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ने दे दी कि जो दूरी है वो 3 समान दूरी हैं, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को तय करता है, 3 की, 4 की और 5 की स्पीड से, तो समझ जाओ दूरी समान है, तो दूरी समान है तो हम दूरी समान है तो चाल के अकॉर्डिंग हम समय पर पहुँचेंगे, तो दूरी क्या कहते समय, चाल क्या कहते रखिए, 3, 4, 5, अच्छा तीनों समान दूरी हैं, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, तो 3, 4, 5 दो देता तो ये सिंपल हो जाता, लेकिन 3 में कैसे करेंगे, वही जो लास्ट क्वेश्चन में बताया, तो 3, 4, 5 का रेशियो क्या बन रहा है आपका भाई, 3, 4, 5 का रेशियो बनेगा आपका 60 बन जाएगा, ये क्या बना 20, ये क्या बनेगा आपका 15 और ये बनेगा आपका, क्लियर,
इसने देखो तीन समान दूरियों को तय करने में इसने जो कुल समय दे रखा है वो 47 मिनट का दे रखा है। कुल समय कितना दे रखा है? 47 मिनट का। और यहाँ पर तीन समान दूरियों को तय करने के लिए इसका जो यूनिट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 47 यूनिट बन रहा है। हम बोल सकते हैं कि 47 यूनिट बराबर 47 मिनट दे रखा है। देखो कितनी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है अगर आप रेशियो लेवल से क्वेश्चन को करोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। मैं आगे आपको और भी चैप्टर पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर, तो सभी मैं रेशियो लेवल से कराऊंगा। मैं पूरी एडवांस अर्थमेटिक रेशियो लेवल से करा देता हूँ, और इवन मैं एडवांस के भी कुछ पार्ट आपको रेशियो लेवल से करवा दूंगा। सही, तो करते हैं फिलहाल क्वेश्चन। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान, 47 बराबर 47 यूनिट। आपको कुल दूरी निकालनी, कोई सी भी एक दूरी निकाल लो, चाहे तो ये निकाल लो या ये निकाल लो या नहीं निकाल लो, उसे तीन बार इंटू कर देना, काम खत्म, आंसर आ जाए। 47 बराबर 47 यूनिट, एक बराबर एक यूनिट, तो 20 बराबर कितना भाई? 20 मिनट। 20 मिनट में कितने घंटे? 20 मिनट, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है, तो इसका घंटे बनाने पड़ेंगे। बाकी 20 मिनट एक घंटे का कितना भाग है? तो एक तिहाई भाग है। अगर एक तिहाई भाग है तो मैं लिख देता हूँ 1/3, यानी दूरी निकालने के लिए 3 की इंटू किससे करूँगा मैं? 1/3 से, क्योंकि चाल तो मेरी ये है और समय क्या है मेरा? ये है। सही, तो 3 × 1/3 करेंगे, यानी दूरी कितनी आ गई हमारी? 1 किलोमीटर। अब भाई 1 किलोमीटर दूरी आ गई, तो तीन समान दूरी है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 3 किलोमीटर। क्लियर, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, और जो लास्ट क्वेश्चन करवाया ना उसे एक बार और देख लेना। सही, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी पर पहुंच जाता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना था? भाई गति उसने क्या करी? 3/4 गति से चल रहा है। अगर 3/4 गति से चल रहा है तो समझो वो लेट हो रहा है, उसने गति को कम कर दिया। अब लेट हो रहा है तो समय ज़्यादा लेगा, समय ज़्यादा लेगा तो लेट हो रहा है ना, तो लेट कितना हो रहा है? 20 मिनट लेट हो रहा है। अच्छा, गति को उसने कम कर दिया, दूरी तो कम नहीं की होगी, दूरी कम बढ़ती करता तो बात अलग थी, ऐसी कुछ कंडीशन इसने दे नहीं रखी। यानी गति को इसने कितना रखा होगा? गति को उसने कम किया, लेकिन दूरी को इसने उतना ही रखा। जब दूरी को उतना ही रखा तो यहाँ पे समझ में बात आती है हमारे कि हम चाल के अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हैं? समय का अनुपात। तो चाल दे रखी है दो? नहीं दे रखी ना, दे रखी है चाल। क्या दे रखी है? अपनी सामान्य गति से क्या करता है? 3/4 से चलता है। यानी 4 थी पहले, अब कितनी हो गई? 4 हो गई, 3 हो गई। 4 स्पीड क्या थी पहले? 4 थी, अब कितनी हो गई? 3। 3/4 का मतलब है कि 4 से उसने 3 कर दिया यूनिट, तो टी कितना हुआ भाई हमारा? 3:4, क्योंकि दूरी उतनी ही रही होगी। पहले पहुंच रहा था 3 यूनिट में, अब पहुंच रहा है 4 यूनिट में, तो बताओगे भाई कितना लेट हुआ यूनिट के हिसाब से? 1 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट। 1 यूनिट में 20 मिनट, इसका बताना हमें सामान्य समय, तो सामान्य समय भाई सामान्य चाल यह रही होगी, कम करने के बाद चाल ये हुई, तो सामान्य चाल अगर ये रही होगी तो सामान्य समय तो 3 रहा होगा ना हमारा, तो 3 बराबर कितना? 60 मिनट। अब या तो 60 मिनट होगा ऑप्शन में, या फिर 1 घंटा होगा, तो ऑप्शन में हमारा क्या है? ऑप्शन में 60 मिनट ही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। पिंटू के घर से स्कूल की दूरी क्या है? भाई पिंटू, पहली कंडीशन में चाल क्या है? 3 किलोमीटर पर घंटा, और लास्ट में चाल कितनी दे दी इसने दूसरी कंडीशन में? अब भी स्कूल से घर जा रहा है, अब यहाँ पर भी स्कूल से घर जाएगा, तो दूसरी कंडीशन की जो चाल है वो है इसकी 4 किलोमीटर पर घंटा। दूरी समान है, तो चाल समय का अनुपात बना 4:3। अब यहाँ पर आपकी समझने वाली बात ये है कि वो यहाँ पर क्या हो रहा था? पहली कंडीशन में वो हो रहा था 5 मिनट देरी से पहुँच रहा था, और इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है? इस वाली कंडीशन में हो रहा है वो जल्दी पहुँच रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना अपने पास कि यदि जल्दी और देर, जल्दी देर दे देता है क्वेश्चन में, तो समय को क्या कर लोगे आप? ऐड कर लेना, समय को क्या कर लेना? ऐड कर लेना। और यदि अगर जल्दी जल्दी दे दे, यानी
वो बोल दे जल्दी है, दोनों कंडीशन में जल्दी, तो समय को क्या कर लोगे आप, समय का अंतर ले लेना, समय का अंतर। और दोनों कंडीशन में बोल दे भाई देर है, तो आप क्या कर लोगे समय को, यहाँ पर भी समय का अंतर लेना। दोनों कंडीशन में अगर बोल दे जल्दी जल्दी, देर देर, समय का अंतर, समय का अंतर, जल्दी देर, समय का जोड़। क्यों करना है इसको और देख लो। जैसे वो पहली कंडीशन में बोल रहा था कि अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जा रहे हो तो 5 मिनट देर हो जाता है, पिंटू को क्या हो जाती है 5 मिनट की देरी। मान लो स्कूल 9 बजे खुलता होगा, मान लो स्कूल 9 बजे खुलता होगा, तो पिंटू कब पहुंचा भाई पहली कंडीशन में, 9 बजे नहीं पहुंचा, वो 9:05 पर पहुंचा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, अगर वो स्पीड को कर देता है 4 किलोमीटर पर घंटा, यानी स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया, इसका मतलब वो जल्दी पहुंच रहा है। कितना जल्दी पहुंच रहा है 5 मिनट, इसका मतलब है वो 9 बजे नहीं पहुंच रहा, वो पहुंच रहा है आपका 8:55 पर। पहली कंडीशन का टाइम ये है, दूसरी कंडीशन का टाइम ये है, यहाँ पर हमें समय का अंतर कितना मिलेगा 1 यूनिट। तो यहाँ पर अगर 1 यूनिट मिलेगा तो भाई मेरे को बता दो यहाँ कितना अंतर बैठेगा, यहाँ भी तो अंतर बैठना चाहिए ना कुछ, यहाँ भी तो अंतर लेंगे, यहाँ कितना अंतर बैठ रहा है 10 मिनट का, क्लियर है, यहाँ कितना अंतर बैठ रहा है 10 मिनट का, समझ में आया कुछ। तो आप क्या करोगे 1 यूनिट = 10 मिनट, इसे मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपका, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, क्योंकि ये YouTube पर वीडियो क्लासें एक बार रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी, तो फॉर एवर से कितनी बार चाहो, जितनी बार चाहो उतनी बार देखना। तो 1 मिनट में 1 यूनिट में बना 10 मिनट का अंतर, हमें कौन सा समय निकालना है, हमें दूरी निकालनी है, समय नहीं निकालना, हमें दूरी निकालनी। दूरी आप कहीं से भी निकाल लो, या तो पहली कंडीशन से निकाल लो या दूसरी कंडीशन से निकाल लो, दूरी आपको मिलेगी। पहली कंडीशन से निकालना चाहते हो तो 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो कितने घंटे चला ये देखो, दूसरी कंडीशन से निकाल ले तो 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कितने समय चला ये देख लो। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ भाई, आप ऊपर से भी निकाल लेना, तो 1 में 30 घंटे, 1 में 10 मिनट, तो 3 में कितना मिनट 30 मिनट। अगर 3 में 30 मिनट तो भाई 30 मिनट, ये बताओ अगर मैं एस की गुणा यानी चाल की गुणा समय से कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अगर 30 मिनट चलेगा तो कितना चलेगा 2 किलोमीटर। ये आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दे दिया उसने, यहाँ पर वो बोल रहा है कि एक साइकिल चालक को मैं सी लिख देता हूँ, जॉगर को मैं जे लिख देता हूँ। एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, एक साइकिल चालक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय करता है, वह किसी निश्चित समय में तय करता होगा, सभी चीज़ निश्चित है। इसके लिए पता नहीं, कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो सभी चीज़ इसके लिए कुछ ना कुछ होगी, मान लो कुछ भी। आगे क्या दे रहा है, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे, किससे, साइकिल चालक से। मान लो यहाँ पर ये समय ले रहा होगा 1, तो ये आधी दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है 2, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, छोटा हो रहा है थोड़ा ज़्यादा, ले रहा होगा 2। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है यहाँ पर कि उनकी गतियों का अनुपात बताओ, इनकी गतियों का अनुपात बताओ। तो भाई इनकी गतियों का अनुपात निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं दूरी कहीं ना कहीं दोनों की बराबर कर लूँ तो मुझे चाल के अकॉर्डिंग समय मिल जाएगा या समय के अकॉर्डिंग चाल मिल जाएगा, यही तो है। लेकिन यहाँ पर दूरी तो बराबर दे नहीं रखी, तो दूरी बराबर दे नहीं रखी तो दूरी बराबर कर लो। अगर ये आधी 2 यूनिट 2 में तय करता है, आधी दूरी जॉगर 2 यूनिट में तय करता है, तो शेष आधी भी तय करने में कितना लेगा, वो 2 ही लेगा। यानी साइकिल और जॉगर की समय मिल गया हमारा, इसका समय 1, इसका समय 4, दूरी बराबर हो गई, तो समय का उल्टा चाल, यानी हम बोल सकते हैं इन दोनों की चाल का अनुपात क्या हो गया, 4:1। पूछा क्या है हमसे, पूछा है जॉगर और साइकिल चालक, जॉगर और साइकिल चालक पूछा है, तो उल्टा ये मत कर देना 4:1, क्योंकि इसने ऑप्शन देखो 4:1 भी दे रखा है। क्या पूछा है, जॉगर और साइकिल चालक,
तो जॉगर और साइकिल चालक, यानी हमारा आंसर आया 1:4। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने के लिए मोटिवेट